देवताओं के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मिल्कीपुर में थे तो अखिलेश यादव लखनऊ में। मिल्कीपुर में सीएम योगी की सभा से पहले अखिलेश यादव ने उनके यहाँ पहुँचने पर तंज कर दिया। रेप के चर्चित मामले का जिक्र कर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा। पलटवार में सीएम योगी ने देर नहीं की। उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर गए हैं, उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए भी कुछ न कुछ कहेंगे। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। मिल्कीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने वाला है। इस सीट की जंग को बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। खुद सीएम योगी ने सीट को जिताने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते थे। अयोध्या लोकसभा सीट से इस साल सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब उपचुनाव में सीट के जातीय समीकरण को साधना बीजेपी के लिए चैलेंज है। वजह है अनुसूचित जाति, ओबीसी और मुस्लिम वोटरों का वो समीकरण जो समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होता रहा है। इस सीट पर 3,40,000 से ज्यादा वोटर हैं। इनमें 1,10,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। इनमें 60,000 पासी समाज के वोटर हैं, वहीं 65,000 यादव वोटर हैं, तो 35,000 मुस्लिम वोटर। अब सीएम योगी ने विकास के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर यहां का चुनावी एजेंडा तय कर दिया है। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था। प्रदेश की जनता पिसती थी, माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप, इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है, जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। इसके बाद बात माफिया और मठाधीश से आगे बढ़कर रामद्रोही बनाम भस्मासुर तक जा पहुंची। जब अयोध्या के लिए सौभाग्य आया, इन रामद्रोहियों को तो परेशानी होगी ही होगी। ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? ये लोग वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने पहले किया था, आज भी वही कर रहे हैं, आगे भी ये वही करेंगे। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं। देखिए, भस्मासुर दोनों हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. Oh, 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 oh,